जी तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ खांसी के होम्योपैथिक इलाज के बारे में। मौसम तब्दील हो रहा है, हर किसी को जुकाम, फ्लू, बुखार, खांसी, गला खराब, इस तरह की शिकायत हो रही हैं। अगर आपको ऐसी कोई अलामत जाहिर होना शुरू होती हैं तो उनके शुरू में ही आप एकोनाइट की 1000 के अंदर एक खुराक इस्तेमाल करेंगे तो वो अलामत उधर ही रुक जाती हैं। लेकिन अगर आपको बाकायदा खांसी लग गई है जिसकी मुख्तलिफ वजूहत या मुख्तलिफ अलामतें हो सकती हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप होम्योपैथी की कौन सी अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली खांसी है, जो एक आम अलामतें होती हैं खांसी की, कि आपको गले में खराश हो रही है, बार बार खांसी आ रही है, आवाज़ थोड़ी बैठ गई है और इसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत बलगम का खराज हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत में आप ब्रायोनिया, आर्सेनिक और फास्फोरस, इन तीन होम्योपैथी की अद्वियात को 30 की ताकत में मिलाकर रोज़ाना 3 दफ़ा सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें तो इससे बहुत बेहतरी आती है। दूसरी सूरत यह हो सकती है कि अगर आपको लगातार खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा खांसी है, गले में खराश है, उसकी वजह से खांसी होती ही जा रही है, तो उस सूरत में आप बेसिलेनम और ब्रायोनिया की 200 की ताकत में मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। शुरू में जब तकलीफ़ की शिद्दत है तो आप इसको दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे बेहतरी आए आप इसको रोज़ाना 1 दफ़ा पे ले जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको खुशक खांसी है जिसमें आपके गले में सिर्फ खराश है और बलगम का खराज नहीं हो रहा है, तो ऐसी खांसी की सूरत में आप कार्बोवेज, बेलाडोना, एकोनाइट, स्पोंजिया, इन 4 अद्वियात को 30 की ताकत में मिलाकर दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो इससे खुशक खांसी में बहुत इफाका महसूस होता है। खांसी की ऐसी सूरत जिसके अंदर खांसी के साथ सांस की तकलीफ हो रही हो, यानी सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो, खांसी आती हो और उसके आने की वजह से सांस फूल जाता हो और सांस में तकलीफ होती हो, उस सूरत में आप होम्योपैथिक दवाई सोराइनम को 1000 की ताकत में 10-10 दिन के वक्फे से 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। यानी आपने इसका 1 माह तक इस्तेमाल रखना है, 3 खुराकें लेनी है 10-10 दिन के वक्फे से। अगर आपको खांसी टॉन्सिल की वजह से है तो होम्योपैथिक में टॉन्सिल की वजह से होने वाली खांसी के लिए एक बहुत आजमूदा नुस्खा होता है। इसमें 5 अद्वियात फाइटोलोका, बेप्टेशिया, कालीम्योर, कल्केरिया फ्लोर और सलेशिया, इन 5 अद्वियात को 30 की ताकत में मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टॉन्सिल्स की तकलीफ को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है और इसके वजह से होने वाली खांसी में भी बहुत अफाका महसूस होता है। देखते रहें हमारा चैनल और जानते रहें अपनी सेहत के बारे में। बहुत शुक्रिया।